Hello guys, welcome back to Coder Baba. In this video I will show you how to insert data, how to delete data, how to update data, how to search and how to show record from the database. You know, these are the five tasks. ये पांचों task ऐसे task हैं कि आपको हर वक्त उनकी जरूरत रहती है. आप कुछ भी करो आपको डेटा insert करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा और उनके रिकॉर्ड को आपको सर्च भी करना पड़ेगा. तो दीज फाइव टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको डेटा को कैसे इंसर्ट करेंगे वो हम बताएंगे, हाउ टू डिलीट, हाउ टू सर्च, हाउ टू अपडेट एंड हाउ टू शो रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस. सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर एसक्यूएल सर्वर. हियर आई एम यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर 2008 एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट वन डेटाबेस. आई एम हियर गोइंग टू क्रिएट डेटाबेस. किसी भी नाम से क्रिएट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हियर मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ. हियर आई एम यूजिंग MCALDC. ये मेरे डेटाबेस का नाम हो जाएगा और हियर क्लिक ऑन ओके बटन एंड आफ्टर दैट हियर फर्स्ट यू रिफ्रेश योर डेटाबेस सर्वर. व्हेन यू रिफ्रेश इट एंड हियर यू द डेटाबेस न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस वेर आई एम क्रिएटिंग दिस वन इज माई न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस. I'm here using query window where I'm going to create a table by the using SQL query. So this is my query. I'm going to create one table where I'm insert, update and delete the record. Here just simply paste this query. What is the query? Create table. Table name is student info where student ID SID is a attribute name, SID, name and cities and age, these are the attribute name. Okay, so SID, so select this and execute. Now here my table is created. You can see it by using select star from student info. Okay, when you run this query, you see my table is created, student ID, name, city and age, and by default it has no value. Masterpiece, okay. That name is Minu. Here I'm just simply put a five hyperlink, that is insert, update, delete, and after that create one page, that name is save. Okay, this is my another page, that name is save. If I'm run this page, you can see the simple interface. ओके हियर आप देख सकते हैं पांच मेनू है हमारे पास, एक सेव, डिलीट, अपडेट, सर्च एंड शो. तो पांच मेनू है. आप चाहे तो मैं एक मास्टर पेज बना सकते हैं और उसको इस पर लिंक करा सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे मास्टर पेज बनाया हुआ है और उस पर मैंने पांच मेनू बना दिए हैं. और यहाँ पे जो पहला पेज है जो हमारा सेव, जिस पेज का नाम है सेव डॉट .exe, इस पेज पे मैं आपको डिजाइन दिखाऊं तो इस पेज पे मैंने ये यहाँ पे चार टेक्स्ट बॉक्स ले रखे हैं. ठीक है, एक हो जाएगा आईडी के लिए, दूसरा नेम के लिए एंड थर्ड वन इज सिटी एंड फोर्थ इज एज के लिए. और यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पर एक लेबल. तो इतनी सारी चीजें मैंने यहाँ पे ले रखी है. ओके, तो अब मैं इसमें रिकॉर्ड इंटर करूंगा और ये रिकॉर्ड जाके डेटाबेस में हमारे सेव हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं तो कैसे करना है. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन में कर रहा था. यहाँ पे यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड, डायनेमिक कोड पे चलेंगे. तो यहाँ पर मुझे चेंज जो करना है वो करना है अपने कनेक्शन स्ट्रिंग में. तो यहाँ पर मैं इसे ओके, तो मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे सेव कर दिया है. तो बाकी सारी चीजें सही है और इसको मैं एक बार फिर से मूव रन करा देता हूँ. ओके, तो यहाँ पे मैं इंटर करने वाला हूँ. तो वन और नेम मैं यहाँ पे दे दूंगा, सिटी में दे देता हूँ यहाँ पे. ओके, एंड उसके बाद एज दे देता हूँ मैं 20. ऑब्वियस जब मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे क्या लिखा है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली. ओके, तो यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो इंसर्टेड, रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है. तो चलिए हम डेटाबेस में चलते हैं और यहाँ पर मैं इस सेलेक्ट वाली क्वेरी को फिर से रन कराऊंगा. तो इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे रन कर लिया और आप देख सकते हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पर सेव भी हो चुका है. ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है. तो सेव कैसे हुआ मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं. तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार इसे बड़ा कर देता हूँ और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो सबसे पहले क्या आपको एक नेम स्पेस ऐड करना होगा. देर यहाँ पर बटन, सेव बटन पर जब क्लिक करेंगे
तो पहले आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड चाहिए, फिर उसके बाद आपको एसक्यूएल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग को पास करनी पड़ेगी। उसके बाद आप कनेक्शन को ओपन करेंगे और फिर जो हमारा जो क्वेरी है ना, जो क्वेरी है क्या क्वेरी है, इंसर्ट करना है इनटू स्टूडेंट इन्फो में टेबल में क्या करना है, वैल्यू करना है। और जो वैल्यू कहाँ से आएगी, पहली वैल्यू जो आईडी है स्टूडेंट टेक्स्ट बॉक्स 1 से आएगी, दूसरी वैल्यू जो नेम है टेक्स्ट बॉक्स 2 से आएगा, तीसरा जो सिटी है टेक्स्ट बॉक्स 3 से आएगा और चौथी वैल्यू जो आएगी वो है एज टेक्स्ट बॉक्स नंबर 4 से आएगी। तो ये सारी वैल्यू आएंगी और उसके बाद एसक्यूएल कमांड क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सीएमडी और इसको मैंने क्वेरी और पैरा और कनेक्शन दोनों चीजें पास कर दी। यहाँ पर एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी ये एक मेथड है जो क्या करेगा, सीएमडी में जो भी कनेक्शन और जो भी क्वेरी है उन सबको रन करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो आप जो आके एक्स में स्टोर हो जाएगा एंड आफ्टर दैट एक्स की जो वैल्यू होगी द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। सो यहाँ पर हमें कनेक्शन को हियर आई एम क्लोज द कनेक्शन एंड आफ्टर दैट हियर आई एम चेक द कंडीशन, इफ अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका होगा तो एक्स की वैल्यू होगी यहाँ पे 1 और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स यस योर रिकॉर्ड इंसर्टेड। और यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि एक ठीक है, तो यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्टेड अदरवाइज रिकॉर्ड इज नॉट इंसर्टेड। ओके सो हमारा जो रिकॉर्ड है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंसर्ट हो चुका है। तो इस पेज को हम क्या करते हैं, फिर से बैक चलते हैं। ओके 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 इस पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम आ चुके हैं और फिर से यहाँ पर टाइप करेंगे नंबर 2 एंड नेम इज एंड लास्ट वन इज एंड अनदर इज 19 और उसके बाद जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय रिकॉर्ड इज इंसर्टेड सक्सेसफुल। ओके अगेन आई विल शो यू इट हियर इन डेटाबेस, सो प्लीज एग्जीक्यूट दिस क्वेरी एंड यू कैन सी द रिकॉर्ड। ओके नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डिलीट, सो इफ यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड सो हियर वन मोर थिंग। ओके आई विल शो यू, ओपन योर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस एंड हियर योर MCLDC database and in table tab this is your newly created table that is student info, right click and design view. Okay and here I am here right click on SID and select set primary key. So yahan pe maine SID ko as a primary key yahan pe select kar diya hai. Okay aur isko ab save kar dete hain aur ye hamara save ho gaya hai. Okay तो अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं डिलीट पे। तो जब डिलीट पे हम आएंगे तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्लीज इंटर आईडी। ओके आईडी नंबर इज 2 बट यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सेव तो हमारा हो गया उसके बाद मेनू डॉट मास्टर और ओके तो यहाँ पे चलते हैं डिलीट। डिलीट पे जब हम आते हैं तो आपको डिजाइन दिखाते हैं डिलीट का, तो यहाँ पर आपको लेना है एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, एक बटन लेना है, एक लेबल लेना है बस। उसके बाद मैं इसका कोड दिखाऊंगा आपको यहाँ पर कोड। ओके कोड तो जब भी आप टेक्स्ट बॉक्स में कोई उस वो रोल नंबर इंटर कर दो जो आप डिलीट करना चाहते हो और उसके बाद ये है आपका ये हमारा सो क्या कहते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग। तो मैं इसे बदल रहा हूँ, मैंने इसे बदल दिया और मैंने इसे सेव कर दिया। तो यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग फिर इसका कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ठीक है। ओके और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने क्वेरी क्रिएट की डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर SID इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1.txt। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, जो भी हम आईडी इंसर्ट करेंगे, उस आईडी का जितना भी रिकॉर्ड होगा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे फिर से हम पास कर देंगे SQL कमांड के पास और फिर यहाँ पर भी फिर से हम यूज करेंगे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड। फिर ये क्या करेगा, वैल्यू को डिलीट करेगा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, अगर डिलीट होगा तो एक्स की वैल्यू होगी 1, तो ये 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इफ वाला ब्लॉक रन करेगा और यहाँ पे जो कलर है वो क्या कर देगा, उसे ब्लू करके आपको वो दे देगा। ओके तो फिर से मैं आगे डिलीट बटन पे, इस बार मैंने डिलीट बटन पे क्लिक कर रखा है और यहाँ पे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो आईडी क्या है, हियर यहाँ पे देख लेते हैं, तो आईडी नंबर 1, तो जिसकी आईडी 1 है उसे डिलीट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया 1 और यहाँ पर क्या रहा है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल। ओके तो चलिए देख लेते हैं डेटाबेस पे। तो हियर आई एम गोइंग ओपन माई डेटाबेस एंड सेलेक्ट दिस क्वेरी एंड एग्जीक्यूट। ओके ओनली 1 वैल्यू रिमेन्स इन द डेटाबेस। तो भाई ये वर्किंग है। अब हम बात करते हैं अपडेट की। तो चलो मुझे अपडेट करना है, तो क्या अपडेट करना है वे भी देख लेते हैं। तो अपडेट वाले पर अगर मैं क्लिक करूँ तो अपडेट पे मैं आ गया। तो चलते हैं अपडेट वाला, तो ये हो गया अपना। तो अपडेट ये रहा, तो यहाँ पर हम दिस इज द अपडेट पेज अपडेट.xpx। तो यहाँ पर हम फिर से वही कुछ खास नहीं कर रहे हैं,
हमने टेबल बना रखी है और उसमें क्या डिजाइन मैंने दिया है मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको इंसर्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 फॉर नेम, टेक्स्ट बॉक्स 3 फॉर सिटी, टेक्स्ट बॉक्स 4 फॉर एज एंड दिस इज द अपडेट बटन। ओके, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे उसकी आईडी और उसके बाद बाकी सारी चीजें इसमें विजिबल हो जाएंगी और फिर हम क्या करेंगे उनको अपडेट कर देंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। तो यहां पर हम टाइप करेंगे, अब तो हमारे डेटाबेस में क्या बचा हुआ है, यहां पे ओनली 2 बचा हुआ है। तो चलो ठीक है, यहां पे हम इंटर करेंगे, एक मिनट, यहां पे मैंने इंटर किया नंबर 2 और क्लिक ऑन द सर्च हियर। ओके, इफ यू वांट टू चेंज द नेम सपोज, ओके एंड नाउ अपडेट द रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ओके, तो यहां पे देखो दिस इज द प्रीवियस वैल्यू और जब मैं इसे फिर से एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी जो न्यूली अपडेटेड वैल्यू है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप अगर देख लो तो यहाँ पर कोडर बाबा न्यूली अपडेटेड। ओके, अब अगर मैं फिर से इसे अपडेट करना चाहता हूँ तो चलो मैं इसे फिर से अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर आ गया। तो अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, UPI ID। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये नया रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, एड्रेस को, इसकी सिटीज को मैंने यहाँ पे सिटी वाली वैल्यू को चेंज कर रखा है। तो फिर से चलते हैं डेटाबेस में, तो मैं सेलेक्ट वाली क्वेरी को फिर से एग्जीक्यूट करूंगा। तो एग्जीक्यूट किया तो यहां पर आप देख रहे हैं ये चेंज हो जा रहा है। तो कैसे हो रहा है ये सब हो रहा है, मैं इसका कोड भी आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे फिर से दिखाऊं तो सबसे पहले आपको आईडी यहां पर एंटर करनी होगी, मैंने कहा आईडी इक्वल टू 2 और जैसे मैं शो वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो ये जो तीन टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन ये विजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसके कोड पे चलते हैं। तो कोड पे अगर मैं चलूं तो यहां पर मैं आपको दिखा दूं व्यू कोड। तो सबसे पहले क्या करना है, ये शो बटन, तो शो बटन पे आपको सिंपली सर्च परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे फिर से आपको ये सारी चीजें मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा, क्वेरी बना दिया मैंने, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू, तो भाई जिसकी आईडी टेक्स्ट बॉक्स 1 में इंटर की गई होगी वो उसकी सारी वैल्यू आप सेलेक्ट कर लो। फिर उसके बाद मैंने एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर उसके बाद देखो अगर आपको सर्चिंग परफॉर्म करनी है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एग्जीक्यूट रीडर वाला मेथड यूज करेंगे जो क्या करेगा, कोड को रन करेगा और जो भी डेटा उसको मिलेगा कोड को रन करने के बाद वो सब कुछ डीआर में जाके स्टोर कर देगा। ओके, और तो यहां पर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। तो हमने क्या बोला, dr.read, रीड इज अ मेथड जो डीआर के अंदर जितनी भी डेटा है सबको रीड करेगा। तो अगर डीआर के अंदर डेटा अवेलेबल होगा तो यहां पर ये जो रिकॉर्ड फाउंड जो बुलियन टाइप का वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू, इनिशियली ट्रू होगी। तो मैंने क्या बोला, अगर रिकॉर्ड फाउंड इज नॉट ट्रू तो क्या करेंगे, यहां पर एक मैसेज दे देंगे, रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, अदरवाइज नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में जो नेम्स फील्ड से आ रहा है उसे उसमें स्टोर कर देंगे। फिर मतलब कि डेटाबेस में जो हो क्या होगा, जो डीआर में सारी वैल्यू होगी तो डीआर के अंदर जो नेम वाले कॉलम की वैल्यू है वो हम टेक्स्ट बॉक्स 2 को दे देंगे और डीआर के अंदर जो सिटी वाली वैल्यू होगी वो हम टेक्स्ट बॉक्स 3 को दे देंगे और डीआर के अंदर जो एज वाली वैल्यू होगी वो हम किसे दे देंगे, टेक्स्ट बॉक्स 4 को दे देंगे और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद यहां पर जो एक अपडेट बटन है, तो मान लो कि अब आप टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को चेंज कर देते हो, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊं, तो इस बार मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 2 इंटर किया और उस पर शो पे क्लिक कर दिया। तो यहां पर देखो, तो डीआर में जो वैल्यू थी नेम वाले कॉलम की वो इसमें शो हो रहा है, जो सिटी वाला वैल्यू था वो इसमें शो हो रहा है, जो एज वाला वैल्यू था वो इसमें शो हो रहा है। तो सपोज करो अगर मैं इसे 21 कर देता हूं, ठीक है। अब जब मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, तो यहां पर देखो आप, मैं आपको दिखा दूं, जब आप अपडेट वाले बटन पे क्लिक करोगे, दिस इज द अपडेट बीटीएन अपडेट क्लिक, तो होगा क्या, यहाँ पे फिर से आपको कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अब की बार जो कनेक्शन आ रहा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सेशन cs.toString। तो यहाँ पर अब मैंने web.config का यूज कर लिया है और यहाँ पे सेशन में मैंने क्या रखा है कि कनेक्शन के क्रिएट होने का जो कोड है वो सेशन में मैंने रखा है, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। आप चाहते हैं प्रीवियस जैसे कि अदर वीडियोज में कर देते वैसा भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, पूरा का पूरा आप कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसके बाद कनेक्शन यहाँ पे ओपन हो गया। फिर अब मैं अपडेट करना है तो क्या क्वेरी क्या लिखेंगे, अपडेट कर दो स्टूडेंट इन्फो वाले टेबल को जहां पे सेट करो नेम की वैल्यू जो होगी टेक्स्ट बॉक्स 2 से आएगी, सिटी की जो वैल्यू होगी वो टेक्स्ट बॉक्स 3 से आएगी, एज की वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 4 से आएगी और जहां पे जो आईडी होगा वो क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 से होगा। फिर इसको हम क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी को दे देंगे, ये इसे रन कराएगा और फिर यहां पर हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड एक मैसेज यूजर को शो कर देंगे। ओके, तो यही हो रहा है यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे मैंने ये इसे कर दिया 22 कर देते हैं, सॉरी 22 कर देते हैं इसे हम, और इसे हम करते हैं अपडेट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये रिकॉर्ड सक्सेसफुल अपडेट हो चुका होगा। तो डेटाबेस में चलते हैं तो इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो चुका है,
कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है ये अपडेट हो चुका है। ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारा जो चौथा जो हमारा है ऑपरेशन वो है सर्चिंग की। तो भाई सर्चिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो सर्चिंग के लिए क्या, जब मैंने यहाँ पे सर्चिंग वाले हाइपरलिंक पे क्लिक किया तो एक हमारा पेज ओपन होकर आया, तो यहाँ पर क्या रहा है कि इंटरव्यू आईडी, तो आईडी मैंने इंटर किया दैट इज टू, और टू पे क्लिक करके मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या होगी सारी चीजें जो है वो आपको इस तरह से विजिबल हो रही है कलरफुल वे में। ठीक है, तो अब ये कैसे हुआ तो मैं आपको दिखा दूं। अब चलते हैं हम कहाँ पे, सर्च वाले पेज पे। तो ये सर्च वाला पेज है, इसका डिजाइन में अगर आपको दिखाऊं तो मैंने पहले से ही क्या कर रखा है, यहाँ पे एक टेक्स्ट, यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, टेबल मैंने बना रखे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बना रखे हैं, मैंने टेबल बना रखे हैं, रो कॉलम टेबल बना रखा है, और यहाँ पर उस टेबल में इस तरफ क्या है, तो इस तरफ एक लेवल है लेवल नंबर 3 और यहाँ पर लेवल नंबर 4। ओके, तो हम लेवल में सारी की सारी वैल्यू डेटाबेस से लाके इसी लेवल में शो कर रहे हैं, दैट इज लेवल नंबर 4, लेवल नंबर 6, लेवल नंबर 8 एंड लेवल नंबर 10। ओके, तो ये हो कैसे रहा है तो मैं आपको उसका कोड दिखाता हूँ। तो चलते हैं डायनेमिक कोड की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको टास्क दिखाऊं, तो सर्च पे सबसे पहले हमें करना है कि ओके, इनिशियली आपको शो क्या होगा, शो होगा सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आपको आईडी एंटर करनी है। ओके, मैंने किया एंटर 2, और जब मैं क्लिक करूंगा सर्च बटन पे तो आपको बाकी सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई देंगे। तो चलिए, तो ये है शो बटन पे क्लिक किया तो फिर से आपको कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। फिर हमने क्वेरी बनाई, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो वेयर आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो आईडी एंटर की गई है उससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड है सब आपको शो करने होंगे। ओके, फिर मैंने एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसको क्वेरी और कनेक्शन पास कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने बताया कि जब भी आपको सर्चिंग परफॉर्म करनी होगी तब आप क्या यूज करेंगे, एग्जीक्यूट रीडर मेथड आप यूज करेंगे, जो क्या करेगा सारे क्वेरी और क्वेरी को रन करा के जो भी रिकॉर्ड वहां से उसे मिलेगा वो डीआर में लाके सेव कर देगा। फिर से हम वही फंडा यूज कर रहे हैं, रिकॉर्ड फाउंड इज इक्वल टू डीआर डॉट रीड, अगर डीआर में कोई रिकॉर्ड होगा तो रीड मेथड उसे एक एक करके रीड करेगा, और यहाँ पर ये जो है रिकॉर्ड फाउंड जो आपका वेरिएबल है बुलियन टाइप का, इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ट्रू होगी। तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, इफ मतलब कि हमेशा इफ स्टेटमेंट क्या लेता है, ट्रू वैल्यू लेता है। तो मैंने यहाँ पे ये जो सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ ये कहेगा कि जस्ट नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वैल्यू, मतलब ट्रू ना हो तो हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, अगर ऐसा होता है कि रिकॉर्ड है यहाँ पे तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तो हमेशा इल्स पे आएगा। तो फिर से हम वही करेंगे कि डीआर में जो एसआईडी वाला कॉलम होगा उसकी जो वैल्यू है हम टेक्स्ट बॉक्स 4 में रख देंगे, और फिर सॉरी लेवल 4 में, यहाँ पे देख लीजिए लेवल 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डीआर से कि एसआईडी वाले जो पैरामीटर में जो भी वैल्यू होगी हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये है सर्चिंग का फंडा, आई होप कि आप इसे समझ पा रहे हैं, और जब मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं, फिर से मैं इसे रन कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अदर इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। सपोज मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ 11 और मैंने यहाँ पे सर्च किया तो 11 हमारे डेटाबेस में है ही नहीं, क्यों, क्योंकि जब मैं आपको इसे देखते हैं तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे डेटाबेस में, वो भी जिसकी आईडी है 2। तो इस वजह से ये 11 के लिए क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड नॉट एग्जिस्ट, 1 के लिए भी यही इन्फॉर्मेशन, और 2 के लिए क्या कहेगा, 2 के लिए तो रिकॉर्ड है वो आपको ये शो कर देगा। तो ये तो हो गई रिकॉर्ड के शो की बात। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला टास्क है वो है शो रिकॉर्ड्स। अब शो में मैं क्या सारे रिकॉर्ड शो कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सिंपली आपको लेना होगा एक शो नाम का बटन, और सॉरी पेज लेना होगा शो नाम का, और उस पर आपको एक ग्रिड व्यू लेना होगा और एक एसक्यूएल डेटा सोर्स लेना होगा। तो ये आपको मिल जाएंगे, टूल बॉक्स में आएंगे और टूल बॉक्स में आपको डेटा सेक्शन में यहाँ पर आपको ग्रिड व्यू भी मिल जाएगा और साथ ही साथ एसक्यूएल डेटा सोर्स भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे इसे बाइंड कर लेना है। तो आपको ग्रिड व्यू बाइंड करना तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कैसे आप इसे बाइंड करेंगे डायनेमिकली, इसके लिए कोई कोड की जरूरत नहीं है। तो बस आप इसे फटाक से रन कर दोगे तो ये आपका रन कर देगा, तो रन करेगा जो भी डेटाबेस में वैल्यू होगी जाके आपके ग्रिड व्यू में। यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड है तो एक रिकॉर्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप चाहे तो दो चार रिकॉर्ड और इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ नंबर 1, और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ अजीत सिटी आगरा इज 20। ओके, 12 दे दिया और रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो फिर सेव हो चुके हैं। अब मैं चलूँ शो रिकॉर्ड में, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3 रिकॉर्ड 3 तरह के, ठीक है, तो 3 रिकॉर्ड आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने किया नंबर थर्ड को मुझे करना है अपडेट, और इसमें जो लिखा है जो दिल्ली, और तो दिल्ली को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कानपुर लिख देता हूँ, और मैं इसे करूंगा अपडेट। जब मैं इसे अपडेट करूंगा तो ये वैल्यू सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी होगी। देखने के लिए हम शो रिकॉर्ड पे चलेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है एड्रेस में, सिटीज में आपको दिख रहा है कानपुर। तो फ्रेंड्स
बताइएगा मुझे कि कैसा लगा आपको ये हमारा ये वीडियो यार। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को यार लाइक करो, शेयर भी करना, और हाँ सबसे जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।